हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का प्रोजेक्ट है हमारा विटामिन सी सीरम बनाना। टुडेज वर्ल्ड विटामिन सी इज सीरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे। और चलो शुरू करते हैं विटामिन सी सीरम बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट विटामिन सी सीरम, कितना ज़रूरी है स्किन के लिए। अगर आप न्यू हैं स्किन केयर में, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो टीनेजर है, तो उनको नहीं पता होता विटामिन सी सीरम के बारे में ज़्यादा। तो विटामिन सी सीरम सारे इंग्रेडिएंट्स में हमारे स्किन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरम है। विटामिन सी सीरम एंटी एजिंग होता है, यानी लॉन्ग टर्म में एज स्पॉट से आपको बचाता है। आपके फेस में डलनेस है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है विटामिन सी सीरम। इसके अलावा विटामिन सी सीरम ब्राइटनिंग, अगर सन टैनिंग है बहुत ज़्यादा उसमें, और विटामिन सी सीरम जो है वाटर बेस्ड होता है, बहुत ही लाइट होता है। आप कोई भी विटामिन सी सीरम उठाओगे वो हमेशा वाटर बेस्ड होता है। विटामिन सी सीरम ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ों में पाई जाती है, मगर स्किन के अंदर जो सीरम बेस्ड फॉर्मूलास होते हैं वो एक्चुअली उसका एक ही इंग्रेडिएंट होता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चूज़ करना है कि हम विटामिन सी सीरम किस में रखेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्लियर ग्लास बॉटल, मगर इसमें जो है आपके विटामिन सी सीरम, ये मेरा मार्केट वाला एक बॉटल है, इसमें डार्क जल्दी हो जाएगा, और ये है ग्लास बॉटल जो डार्क शेड में है। तो विटामिन सी सीरम सन से, क्योंकि विटामिन सी सीरम काफ़ी यू नो डार्क हो जाता है सन में, इसलिए आपको डार्क बॉटल में रखना चाहिए विटामिन सी सीरम। इसके अलावा हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, पहले एक एल एस्कॉर्बिक पाउडर। आपके पास अगर पाउडर है, जैसे मेरे पास ये मैंने पाउडर परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, अगर आपके पास बजट है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिन चलता है, या फिर बहुत ही अच्छे एक ऑप्शन मैं भी ये आपको रिकमेंड करूँगी, ये है रेगुलर टैबलेट्स ऑफ विटामिन सी, बट डोंट यूज़ दी ऑरेंज फ्लेवर्ड वन, यूज़ दी नेचुरल वाइट जो विटामिन सी होते हैं, क्योंकि ऑरेंज वाले में जो है फ्लेवर एडिट रहता है, शुगर एडिट रहता है ऑरेंज फ्लेवर्ड, सो दैट इज़ नॉट गुड। अब आपको प्रोडक्ट का चाहिए 5 to 6 ग्राम। आप मेरे तरह पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप एक टैबलेट इस्तेमाल करोगे, या फिर आप अगर पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो होगा 1 teaspoon, इट एड्स 5 to 6 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो इतना प्रोडक्ट आपको ले लेना है। ले लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है स्किन मॉइस्चर हाइड्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप इसमें ग्लिसरीन नहीं ऐड करोगे, सिर्फ पानी से ये बनाओगे, तो बन सकता है विटामिन सी बनाने में ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट आपको चाहिए नहीं होता। ग्लिसरीन हम इसलिए ऐड करें ताकि हमारी स्किन मॉइस्चर को वो हेल्प कर सके। इसके अलावा आप इसमें डालेंगे पानी। पानी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और विटामिन सी दोनों ही मिक्स हो जाए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम ल्यूकवॉर्म, और बाय द साइड आप स्टेरिलाइज कर दें अपने बॉटल को गर्म पानी में रख के। आप बॉईल कर सकते हैं, आप गर्म पानी में छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि उसके अंदर के जो भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाए। अब अच्छे से बन जाने के बाद इसको डाल ले। ऑयली स्किन जो है ज़्यादा ग्लिसरीन यूज़ ना करें, 1 spoon इनफ है। ड्राई स्किन के लिए आप 2 teaspoon इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी तरह। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं डे एंड नाइट बोथ। अगर आप मार्केट वाले भी विटामिन सी इस्तेमाल करते हो, या फिर ऐसे होम में बनाते हो, मार्केट वाली जो है हमेशा विटामिन सी का जो उसमें यू नो क्वांटिटी है वो हमेशा डिफर करता है। मैंने जैसे कि बोला है, अगर आप 1% शुगर डालते हो किसी ड्रिंक पे तो भी वो शुगर ड्रिंक रहता है, और अगर आप 20% डालते हो तो भी वो शुगर ड्रिंक ही कहलाता है। विटामिन सी अगर आपको स्किन में अपने वर्किंग चाहिए तो एटलीस्ट 20% एक प्रोडक्ट में होना चाहिए। 20% से अंदर विटामिन सी इज़ नॉट दैट मच वर्किंग। और ये घर में आप विटामिन सी बनाते हैं, इसमें आपको पता है आपने कितना प्रोडक्ट डाला है, क्या क्या चीज़ पे पड़ी है, और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एनिमल टेस्टेड, एंड या दिस आर द थिंग्स आपको हमेशा ये घर में बनानी चाहिए, क्योंकि एक ही जो टैबलेट है विटामिन सी का
या 5-6 ग्राम से आप हर बार बना के आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। इट इज़ वेरी मतलब घर में ही मिल जाएगा आपको हर बार, तो हर बार मार्केट की दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और एक ऐसा पैकेट आप खरीद लेने से आपको हर बार के परचेस से नेक्स्ट ब्रांड की प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। विटामिन सी इससे भी पहले मैंने 3-4 बार चैनल पे नहीं बनाई है मेरे, मगर आई हैव यूज्ड विटामिन सी DIY, आई हैव यूज्ड मार्केट वन एज वेल, सो आई रियली लाइक द होम वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।